क्या एक ये कलेक्टिव लेवल पे मुहिम है कैसे हम जल प्रतिज्ञा जल रक्षा को एक जन आंदोलन बना सकते हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा देखिए मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज एटीन नेटवर्क को और मैं सचमुच आभार व्यक्त करता हूं कि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी एक बार कि तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा तो जल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा मुझे लगता है इससे पहले कि व्यापक जनसंहार हो हमें जल संरक्षण की दिशा में जाना चाहिए और आज सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में प्रयास और एक आह्वान कर दिया है और कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है मुझे दूसरा बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के बाद पहली बार जल से जुड़े हुए सभी विभागों को एकीकृत एक करके जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने गठित किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने यहां जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया है और हमने उसमें एक अपने योग्य मंत्री को उसका दायित्व दे दिया है एक कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत करके आगे के कार्यक्रम को एक टाइम फ्रेम उनके सामने रख करके कह दिया गया कि इसको इस रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है यह कार्रवाई हमारे यहां प्रारंभ हो चुकी है वास्तव में यह जल संचयन का कार्यक्रम ये जल शक्ति का कार्यक्रम यह जीवन को बचाने का कार्यक्रम है मेरा यह मानना है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जल संचयन के में जन सहभागिता और साथ साथ व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं हम तो इस बात को मानते हैं वन है तो जल है और जल है तो कल है जी। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं इनको किसी को भी आप अपने इससे अलग नहीं कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होती है और भी मैं धन्यवाद दूंगा कि न्यूज एटीन नेटवर्क इतना बड़ा उनका जो है जो दर्शक वर्ग है वह अगर इसके साथ जुड़ करके व्यापक जन जागरूकता के इस अभियान के साथ जुड़ता है सत्तर करोड़ दर्शक अगर किसी एक अभियान के साथ जुड़ते हैं वास्तव में वह वा आंदोलन उस अभियान को एक आंदोलन का रूप दे देगा और जब जन आंदोलन बन जाता है तो उसकी सफलता में कोई संदेह कभी नहीं होना चाहिए यह मैं कह सकता हूं और मैं सचमुच आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद देता हूं न्यूज एटीन नेटवर्क को कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस अभियान को सफलता प्रदान कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जल संचयन के इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग करने को तैयार है जहां भी बहुत मीडिया ग्रुप या भी कोई भी कोई संगठन इस क्षेत्र में आगे आएगा सरकार उसमें भरपूर सहयोग करने को तैयार है योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हमारा टारगेट यही है कि जितने हमारे सत्तर करोड़ दर्शकों की जो रीच है हम सत्तर करोड़ जल रक्षक जो जल प्रतिज्ञा लेंगे ये हमारी मुहिम है ये हमारा मिशन है और ये मिशन पानी जारी है uh, योगी जी आपको मैं धन्यवाद देता हूं आई द पंचतंत्र टेल्स लेट्स गो बैक टू आवर ट्रेडिशन पंचतंत्र स्टेल्स सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स लेसन इन लाइफ क्योंकि लास्ट में हम कहते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है तो जीवन को जीने का तरीका जो है इस ये किस्से हमें बताते थे अब आप मुझे बताइए कि ये जो जल आंदोलन है जल रक्षा की ये जो मुहिम है ये बिहेवियरल चेंज की हम बात कर रहे हैं इसको हम सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं हाउ कैन वी टेक दिस मैसेज टू द पर्सन ऑन ग्राउंड एंड एक्सप्लेन टू देम वेरी सिंपली वाई दे नीड टू बिकम अ जल रक्षक Nearly 100% of our water source is monsoon. Monsoon and monsoon only. Only four percent is glacial water, everything else is coming down from the skies. The water that comes down on this land must percolate this way, down into our aquifers, into various other ways, it must go into the land. Right now it is running on the surface. It is running on the surface mainly because there is not enough vegetation. Only vegetation will make it go deeper inside. So if this has to happen, we must put india's land at least one-third under shade whatever kind of trees whatever kind of vegetation you grow but it must be under shade only then it'll be organically rich and the roots will make sure the water percolates down for this to happen right now we have called for this kaveri calling kaveri calling the idea of kaveri calling is a demonstrable model a demonstrable model that will be a sample for everybody else. this is not only for india. this is a game changer for the whole tropical world if we successfully implement it. farmers are willing. the two state governments want to give subsidy to help the farmers to shift. True. so these two pla things are in place. the right. third thing is the larger society, you and me. yes. especially the urban population. i'm just saying. even a beggar in mumbai. Can plant one tree a month, yes. forty two rupees? Yes. I think a beggar in Mumbai is rich enough to do that. If a beggar can plant one tree, how much should you do? This should be the question mark in your head. This is not about me, this is not about a media house, this yes. is not about the government, this is generational work. We yes. as a generation, are we a responsible generation? Or are we an irresponsible generation? This will be proved by how we act in the next few years because the India soil. <laughs> yes. For a long time, you know, even today, many farmers, before they step on their land, they bow down to the soil. But yes. what have we done to this soil? The most fertile soil on the planet that you could find, unfortunately, desertification is happening. Out of 160 million hectares, of arable land, we have made 105 million into distressed soil. Distressed soil means there is not enough organic content. I'm repeating this again the yes. only and only way you can put back organic content into the soil is by the leaves of the trees and the animal waste. Thank you. Thank you so much, Sadhguruji. Big round of applause for uh, all our guests who have joined us via link. They've taken some time out to speak to us. वो कहते हैं ना कि हम देश की मिट्टी को माथे से लगाते हैं अब आगे जाकर वो रेत हो गई तो गलती किसकी दैट दैट इज वॉट सदगुरु जी सेब्लूटली राइट द रन वॉटर वॉश इज अव दफ द अर्थ एंड देफ इज नॉट कंड टू स्टोर वॉटर लॉट पीपल थिंक द ट्रीज टेक अवे द मेनी ट्रीज एक्चुअली दिल बट दे ऑल्सो ग्रिप द अर्थ एंड प्रिवेंट द सॉयल फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड Which is so essential for all of us, and I think that these are some of the things that all of us must be doing to grow more trees. Well, the the task of the urban India, or, or, or what Sadhguruji said, do, do you agree with him saying that if people put their heart into it, because we've had case studies of people who, over the last 30 years, have been digging ponds in villages. He's created 200 uh, ponds that he's been able to build. There is another person who's create who's been able to reforest arid land, hectares of it. So, if individuals can do that, why can't we as a collective? Yeah. I think you just said that uh, just about 4 or 6 percent of urban yeah. India consumes the water or has the problem. 89 to 90 percent of rural India has this problem. And therefore, the impression goes that we are 4 percent, we have 3 But I think that people in urban India need to set an example. फॉर द पीपल देट आर लेस प्रवेलेज एंड वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट बाई डूइंग लिटल लिटल थिंग्स वन वी हैविंग अ शॉर नहाते समय चलिए हमारे पास साधन है कि हमारे पास हमारे घर में घुसल खाने में हम एक शॉवर लगा सकते हैं कई बार ऐसा होता है शॉवर ऑन कर देते हैं फिर साबुन वावुन लगाने लगते हैं शावर चलता रहता है फिर साबुन लगाने के बाद उसमें घुसते हैं फिर धोते हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं शावर ऑन किया गीले हो गए शॉवर को बंद किया साबुन लगाया और जब फिर धोना हुआ तब शावर फिर ऑन किया छोटी सी बातें होती हैं एक और इट्स लिटिल इनसेंसिटिव बट आई डू वांट टू ब्रिंग इट अप बिकॉज़ आई थिंक इट्स इट्स वेरी वाइटल हम लघु शंका के लिए गुजल में जाते हैं जी उसे हटाने के लिए हम फ्लश चलाते हैं जी और जितना पानी उसको हटाने में जाता है वो लघु से दीर्घ होता है बहुत ज्यादा बिल्कुल सही कहा आपने कहीं ना कहीं इसका हमें एक उपाय ढूंढना होगा तो व्हेन यू वर टॉकिंग सर अबाउट यू नो कैन वी हैव सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी स्पेंड आवर ह्यूमन यू नो वाटर दैट गोज आउट बट क्लीन इट अप एंड टू वॉश इट पुल द फ्लैश व्हिच स्पेंड्स लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ वाटर जस्ट फॉर दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट सो Can there be some device where we can cure that? Well, if airports can have no water urinals, why can't we think about that in our homes? Let, let's just put it there. And once again, like I said, the, the philosophy has to flow down into the product, Nachi. So I'm going to put you back in the spot. Absolutely. I think uh, there are two things, which is firstly, to answer your question, Abhij. Um right now the world's technology is not that developed to figure out exactly how to do that. There are uh, flushes, as you know very well.

तो दिस इज वॉट आई वॉज टू से बिफोर कि अ वेरी सिंपल थिंग इज दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉट यू क्लीन योर टॉयलेट विद इज अ वेरी सिंपल थिंग करोड़ों लोग रोज टॉयलेट जाते हैं सब जाते हैं आई थिंक आप अमीर हो या गरीब हो आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो आप नॉर्थ से हो या साउथ से हो रोज टॉयलेट तो जाना ही पड़ेगा प्रसाधन अनिवार्य है <laughs> ये तो एक कॉमन है सबको सबको माने करना ही पड़ेगा and the point really is that uh, when you don't have a flush in your home, you end up using products that take more water. very simply, if you use uh, detergents to clean your toilet, you can spend five liters of water to clean your toilet. but if you specialize products, it takes less than a liter of water to clean your toilet. right? Let, let, let's start there. <laughs> साल भर में एक इंसान इस्तेमाल करता है जी। अपने ऊपर। उसका अगर आप अनुमान लगाएं तो कम से कम एवरेज पे 50 लीटर अगर एक बाल्टी में जाता है तो 140 बाल्टी पानी प्रत्येक इंसान भारत में इस्तेमाल करता है अपने आप के ऊपर साल भर में बिल्कुल संख्या को हमें कम करना बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी हमारे साथ बहुत सारे जल रक्षक हैं मिस्टर बच्चन एंड नची आई वॉन्ट गेट सम बिकॉज आप लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेरे साथ तो हो रहा है कि वी हैव अज मूवेंट एंड वी हैव अ फैन मूवमेंट है ना आ, आप जब बैठे हैं तो ऐसा ही होगा कि सब कई लोग आपके फैंस भी हैं जैसे मैं हूं बहुत बड़ा फैन हूं लेकिन कॉज भी है जो विच इज ग्रेटेस्ट लेट मी आस्करी यस दिस इज पराग पराग रन जनाजल टेलस वॉट जनाजल इज एंड एंड योर क्वेश्चन सच ए प्रिवलेज टू बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू सर जनजल एक सोशल एंटरप्राइज़ है एक सामाजिक उद्यम वी आर वर्किंग टू मेक सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल टू द कॉमन मैन एट अफोर्डेबल कॉस्ट सो वी वर्क एट रेलवे स्टेशंस बस स्टैंड म्यूनिसिपल एरियाज सेमी अर्बन एरियाज रूरल एरियाज और हमारी कोशिश ये है कि आम आदमी तक साफ पीने का पानी शुद्ध पेयजल उन तक पहुँचे और एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे पहुँचे क्योंकि जब तक हमारा ये मानना है कि जब तक जल को एक वैल्यू अटैच नहीं की जाएगी तब तक जल वैल्यू नहीं होगा तो ये एक अपने आप में एक सोच है जिसको धीरे धीरे लोग भी अपना रहे हैं हमारा जो एक हमारी जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने ये देखा है कि जो एस्परेशनल इंडियन है वो चाहता है कि उस वो उस चीज़ को खरीद के ले बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें फ्री में मिल जाए

कभी नहीं सोचा था हम आज के ज़माने में हमें पीने पानी के लिए हमें खरीदना पड़ता है घर में जब पानी की टंकी खत्म हो जाती है तो टैंकर को बुलाना पड़ता है उसके लिए हम खरीदते हैं कि वो टैंकर आए और हमारे घर के टैंक को भारी करे हमने कभी कभी विचार भी नहीं किया था कभी सोचा भी नहीं था जब हम हम हमारे ज़माने में कभी ऐसा था नहीं ये एक जो सुविधा आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसा जल बनाया जाए ताकि उनको लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं एक तरह से मुफ्त में हमको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम जो प्राचीन जमाने की बात कर रहा हूँ अपने जमाने की बात कर रहा हूं कभी हमें लगता चाहिए कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए उसके लिए उसके लिए पैसे क्यों खर्च करें हम ईश्वर की देन है उसे हमें मुफ्त मिलना चाहिए ये ये भी बढ़िया सोच है लेकिन अभी आपने कहा कि घरों में हम सोसाइटीज में टैंकर्स मंगाते हैं जब पानी खत्म हो जाता है कुछ लोग यहाँ जुड़े हैं दोस्ती एकर से हुआ तो पीपल या आप लोग यहाँ पर हैं दे सर दे हैव Uh, taken water conservation to that level where Dosti Acres in Vadala, your society does not get tankers. Why don't you tell them? You introduce yourself, ma'am, please. Ma'am, you can keep sitting. Yes, sir. Yeah. Hello, uh, sir. I'm Nita Dalal. i in Hindi. Mein baat sir, our society has 154 flats. Hai. और टेरेस का सारा पानी जो है हम कंजर्वेट करके नीचे वॉल वेल है एक हमारे कुआ है वो कुआ में डालते हैं और पूरे साल हमको गाड़ी धोने के लिए फ्लश के लिए और गार्डनिंग के लिए म्यूनसिपल पानी की जरूरत नहीं पड़ती पूरे साल भर में और ये हम टू से कर रहे हैं एंड वी आर वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ दैट और हमारा ये देख के आजू बाजू की बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है उन्होंने भी ये ध्यान में लेके करना स्टार्ट कर दिया है ये ये बहुत ही सराहनीय बात है और कई लोग इस तरह से इसका प्रचार भी कर रहे हैं और इसका उपयोग भी कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान में भी कुछ इसी तरह की योजनाएं चली थी जहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहां की 25-30 या 100-200 फ्लैट्स हैं लोग रहते हैं उनका जितना कचरा है वो एक जगह एकत्र होता है फिर उसका कंपोस्ट बनता है और वहीं पर उसका इस्तेमाल होता है। का काम भी हम लोग करते आप और अभी जिन शख्स की, की बात कर रहे थे कि उन्होंने एक और अभियान चलाया है, कि ये जो हाई राइज है चलिए आपने हाई राइज बना लिया लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक हर फ्लैट में आप एक पेड़ उगाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उससे पानी जो है Where we use the the uh, this sewage uh, water. water, and we are using that for the flush and all that, and also we have the uh, the uh, what is that? garbage <laughs> composting unit. Wow! So, no, I think that there. these are some of the initiatives that are very necessary, and it's happy to know that people like you are talking about it and performing them. Well, uh, Mr. Subajit Mukherjee, are you there?

ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका जिसमें हम छत का पानी इस ड्रम में डाल के हमारे धरती में वापस डालते हैं ताकि वो फ्लो करके नालियों में गटरों में रिवर्स में न चला जाए और वो हमारे पास काम आए एंड इसको करने करने का खर्चा मुश्किल से हज़ार रुपये है बट अगर हम अपना श्रमदान देंगे तो वो ऑलमोस्ट फ्री में हो जाता है हमारी कोशिश है

Where in 15 days' time, we had asked the students to calculate the amount of water they use. And every day, to what level they could decrease and how much they have done less. It was a, a very nice step, and we could understand that with this awareness, students really saved a big amount of water. They went to the communities and societies, and they talked about why it is important to save uh, water. And very recently, uh, the policymaker is in the first row. We have introduced Jal Suraksha in the curriculum for state board students. And when we start developing this or empowering these minds and create this awareness, then I think we will be able to uh, spread the message uh, very well. The another thing which I would like to uh, say, sir, is we need to change our mindset. When I was in Germany, I they said, ma'am, sorry, we will not give the water you give. so in the programs, we started doing that. now we don't offer the water till the person does not want it. and if we give the bottles, those are very, very, very small bottles. and uh, uh, though it does not suit in our culture of Atiti Deva, and when the guests come, we have to offer the water. but this was uh, very much required. and, yes, sir. <laughs> अभी यहाँ आने से पहले कुछ समय से सज्जन पुरुषों से बात कर रहे थे उनमें किसी एक ने एक ऐप बनाया है जिससे प्रत्येक मकान फ्लैट अपार्टमेंट में वो ऐप बता सकता है कि कितना पानी जा रहा है या कितना पानी ज़ाया हो रहा है वो ऐप जो है वो जो सोर्स है जिस सोर्स से पानी जाता है अपार्टमेंट के अंदर वहाँ पर वो लगा देते हैं और उससे अनुमान लगाते हैं कि आपके घर में इस जगह पर पानी लीक हुआ है इसलिए आपकी संख्या बढ़ गई है और ये ऐप जो है आप कहीं से भी उसको उसका प्रयोग कर सकते हैं यानी मान लीजिए अगर आप छुट्टी पर गए घर बंद कर दिया कहीं कुछ नल में से लीकेज शुरू हो गई है तो उस ऐप के द्वारा आपको पता चल जाएगा आप कहीं विदेश में भी बैठे हों या किसी और जगह में गए हों वहाँ से उस ऐप के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लीकेज है क्योंकि पानी की संख्या जो है बढ़ गई है जी। ये दरअसल छोटे छोटे बच्चों ने अपने जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बनाया है अभी और इसी तरह का प्रयोग हो रहा है तो ये जब आप लोगों से हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना इसका यू नो वी गेट टू सी पीपल लव दमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देर टेकिंग इन ऑर्डर टू सेव वॉटर एंड इट वेरी इंस्पायरिंग टू हियर ऑल दीज लवली स्टोरीज मैम एक नई ऊर्जा आती है ना सर क्योंकि मैं जब भी सुनता हूँ अब आपने ज्ञानवर्धन किया इन्होंने ज्ञानवर्धन किया अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं मैंने कोशिश की थी मेरे घर में मैंने फ... शावर ऑन कर दिया और बाल्टी भर दी और मैं देखा कि एक बाल्टी भरने में कितना टाइम लगता है साढ़े तीन मिनट लगते हैं तो साढ़े तीन मिनट मेरे दिमाग में और वो टाइमर है कि अगर शावर ऑन होता है तो साढ़े तीन मिनट से कम ऑन होता है तो यानी एक एक बाल्टी पानी से कम आप यूज़ कर सकते हैं छोटी सी कोशिश है बट शुरुआत हम कहीं ना कहीं से तो कर सकते हैं दिस इज समथिंग विच वी कैन डू एज एज अ पीपल इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट यू स्टिल हैव योर शावर वाटर and but you still can keep it in your head and you if you want to put on a timer and say ki isse kam isse kam mein aana hai pani to hi ek balti pani